क्लास 10 मैथमेटिक्स। आई एम आर एस प्रसाद सर। टुडे योर टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस एंड दैट इज द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड पार्ट 2। लेट अस स्टार्ट। द इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड m प्लस nx प्लस m2m माइनस ny इज इक्वल टू 33 हैज इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशंस देन m की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू बतानी है। चलिए निकाल के देखते हैं जरा। ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, सो वी कैन से इट इज इन नेगेटिव माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड दैट वन द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन, इट इज द m प्लस n ऑफ x एंड प्लस 2m माइनस n इंटू y एंड माइनस 33 इक्वल टू 0 एंड दैट वन द इक्वेशन सेकेंड। सो इट हैज द इन्फिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स a1 इज गिवन एज 2, a2 इज m प्लस n, दैट इज द कोफिशियंट ऑफ x, एंड हियर इज b1 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू 2m माइनस n, हियर इज c1 इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 33। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। फोर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है। तो a1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें 2 हो जाएगा और a2 कितना है m प्लस n इज इक्वल टू b1 कितना है, यू कैन से इट इज 3 एंड b2 इज 2m माइनस n इज इक्वल टू c1 इज माइनस 11 एंड c2 इज माइनस 33। सो माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट एंड 11 3 जा, सो इट बिकम्स 1/3। नाउ वी कैन टेकिंग दिस वन 1 एंड 2, सो इट इज 2 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 1/3। सो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट इज m प्लस n इज इक्वल टू 6। सो दैट वन इज द इक्वेशन थर्ड। अब ये लास्ट के सेकेंड लेने हैं तो ये कितने हो जाएगा, ये 3 अपॉन 2m माइनस n इज इक्वल टू 1/3। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2m माइनस n इज इक्वल टू 9। सो दैट वन द इक्वेशन फोर्थ। नाउ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो m प्लस n इज इक्वल टू कितना है, 6 है ये, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करते ये n n कैंसिल हो जाएगा, सो 3m विल बी इक्वल टू 15। सो m कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, सो m विल बी इक्वल टू 5। m5 देखो कहाँ कहाँ है, m5 दो जगह दिखाई दे रहा है आपको, c में भी दिखाई दे रहा है और d में भी। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रख दीजिए कितना है, ये हो जाएगा 5 प्लस n इक्वल टू 6, सो n इज इक्वल टू 6 माइनस 5, सो n कितना हो गया 1, सो m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 1, सो विच वन इज करेक्ट, सो c विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल टू 2k एंड 2k प्लस 1x प्लस ky इज इक्वल टू 3k प्लस 4 हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसमें भी देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, इट इज 5x प्लस 2y माइनस 2k इक्वल टू 0 और ये कितना है 2 है, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k ऑफ y एंड माइनस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ a1 इज गिवन एज 5 एंड a2 इज 2 एंड k प्लस 1 एंड नाउ b1 इज गिवन एज 2 एंड b2 इज कोफिशियंट ऑफ y दैट इज द k। नाउ c1 इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 4। फोर इन्फिनेटिव इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन,
फॉर्मूला होता है हमारे पास ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नाउ पुट द वैल्यू ए वन इज फाइव एंड ए टू इज टू एंड के प्लस वन, बी वन इज टू एंड बी टू इज इक्वल टू के, सी वन इज माइनस टू के एंड हेयर इज माइनस थ्री के प्लस फोर, सो माइनस विल बी कैंसल आउट। नाउ वी कैन पुट, कोई से भी दो लेकर के सॉल्व करने होते हैं इसको, तो पहले दो ले लेते हैं, पहले तो इसको पहले फर्स्ट टू ले लेते हैं। फर्स्ट टू में कितना हो जाएगा, फाइव है और ट्वाइस ऑफ के प्लस वन है इक्वल टू कितना है टू अपॉन के, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज फाइव के इज इक्वल टू फोर एंड के प्लस वन, सो इट इज फाइव के इज इक्वल टू फोर के एंड प्लस फोर। नाउ फाइव के माइनस फोर के इज इक्वल टू फोर, सो के विल बी इक्वल टू फोर, सो योर ऑप्शन विल बी बी, दैट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सो इट इज द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स, इट इज सी एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड वन इज द सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री, सो वी हैव टू राइट सिक्स एक्स माइनस टू वाई एंड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हैज इन्फिनेटिवली मेनी सोल्यूशन, सेम क्वेश्चन है। सो हेयर इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज द ए वन, ए वन इज सी एंड ए टू इज इक्वल टू सिक्स। नाउ बी वन इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई माइनस वन एंड बी टू इज इक्वल टू माइनस टू। नाउ सी वन इज इक्वल टू माइनस टू एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। फोर इन्फिनिटी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, फोर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इट इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। वैल्यू ऑफ ए वन दैट इज द सी, वैल्यू ऑफ ए टू दैट इज द सिक्स इक्वल टू बी वन इज माइनस वन एंड हेयर इज माइनस टू इक्वल टू सी वन इज माइनस टू एंड अपॉन माइनस थ्री, सो यू कैन टेक एनी, सो माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, सो वी कैन कंसिडर फर्स्ट टू ले लेते हैं। सो कितना हो जाएगा सी अपॉन सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन टू, तो ये आ गया थ्री, सो सी विल बी इक्वल टू थ्री, सो योर आंसर विल बी ए करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन एट एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू नाइन, सो वी हैव टू राइट एट एक्स प्लस फाइव वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो एंड के एक्स प्लस टेन वाई, सो इट इज के एक्स प्लस टेन ऑफ वाई एंड माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, सो दैट वन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इनकंसिस्टेंट, नाउ कंपेयर द इक्वेशन कोफिशियंट हेयर, सो वी कैन राइट हेयर ए वन इज इक्वल टू सिक्स एंड ए टू इज इक्वल टू के, बी वन इज इक्वल टू फाइव, बी टू इज इक्वल टू टेन, सी वन इक्वल टू दैट इज माइनस नाइन एंड सी टू इज इक्वल टू सी टू विल बी इक्वल टू माइनस फिफ्टीन। फोर इन इनकंसिस्टेंट क्या होगा आपका, इट इज ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दैट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। सो ए वन इज गिवन एज सिक्स एंड ए टू इज के इक्वल टू बी वन इज फाइव एंड बी टू इज टेन एंड डज नॉट इक्वल टू सी वन इज माइनस नाइन एंड अपॉन माइनस फिफ्टीन, सो दिस वन इज कैंसल आउट, सो वी कैन से फर्स्ट टू ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन के इज इक्वल टू फाइव अपॉन टेन,
सो क्या हो जाएगा ये, तो 5 1 5 5 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो k इज कट हो जाएगा 6 × 2 एंड दैट वन इज द 12 एंड 12 इज द योर आंसर. सो योर ऑप्शन विल बी सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन इज -5x + 2y = 4. सो यू हैव टू राइट -5x + 2y - 4 = 0. सो दिस वन इज योर इक्वेशन फर्स्ट. द सेकेंड इक्वेशन कैन बी इफ इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन इज -5x + 2y = 4 द सेकेंड इक्वेशन कैन बी. नाउ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 2, सो वी गेट हियर -10x + 4y एंड -8 विल बी इक्वल टू 0. सो यू हैव टू राइट -10x + 4y = 8. सो योर ऑप्शन विल बी सी एंड दैट द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर. सपोज यू हैव द एक्सिस लाइन दिस, ये आपकी एक्सिस है. सो पैरेलल ऑफ इट इज y y' एंड इट इज x x'. इफ अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ x = a, सो x = a दैट मीन्स इट इज दिस वन इक्वेशन, इट इज द x = a दैट इज द पैरेलल टू y-axis. एंड नाउ y = b, सो इट इज द पैरेलल ऑफ x-axis. So it is y = b. So point of intersection is this one. So their coordinate is a and b. So this one is the c option and that is the correct option. Now come to the next question. The pair of equation y = 0 and y = -5. So you have to see here. This is the axis. It is x' and x, and here is the y and y'. What is the meaning of y = 0? That means that the x-axis, this one. Ye y = 0 hai. X-axis hamara kya hai? y = 0. There is y = 0. So you have to write y = 0. And y = -5. So y = 0 and y = -5. y = -5 kaha jayega ye? It is here. y = -5. This one downwards. It is here y = -5 and that is the parallel line. So this one is the parallel to x-axis. So what will be? So one solution, two solution or infinite many solution, no solution. So there is D is the correct. So there is no intersection point. So that means it has no any solution. Now come to the next question. A pair of linear equation of consistent, then the graph lines will be always a parallel line. Now next one, if the pair of linear equation is inconsistent, so it is not this one, so it is the intersecting or a coincident, yani dono ho sakti hai, intersect point bhi ho sakta hai aur coincident bhi ho sakta hai. Ye nahi ho sakta, c wala nahi hoga aur parallel bhi nahi hoga. Parallel jo hota hai no solution ke liye hota hai. So come to the next question. If a pair of linear equation is inconsistent, then the graph of line is that is the parallel lines. Yahan pe no solution aayega. Now come to the next question. So on solving the 19x + 17y = 55 and 17x + 19y = 53, we get. So you can see here what will be happen. First equation 19x + 17y = 55 and second equation is 17x + 19y = 53. Now adding them, so kitna ho jayega 9 or 7 16 and it is the 36 of x + yahan par bhi 36 of y ho jayega, yahan kitna ho jayega 8 aa jayega aur 5 5 10 108 ho gaya. So 36 as a common, so we get x + y = 108. Now x + y = 108/36. 36 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये?
सो थ्री टाइम्स जाएगा ये, सो कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई इजकल टू थ्री, सो इट्स इक्वेशन इज फर्स्ट। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो 19 ऑफ एक्स प्लस 17 ऑफ वाई इज इक्वल टू 55, एंड हियर इज द 17 ऑफ एक्स एंड प्लस 19 ऑफ वाई इज इक्वल टू 53। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 माइनस 2x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी माइनस का 2y बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा ये आपका 2 बच जाएगा यहाँ पर भी। सो 2 इज कॉमन आउट, x माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया 2, सो x माइनस वाई इजकल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 1 आ गया। सो x माइनस कल टू 1 हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, दोनों को ऐड कर देते हैं। सो x प्लस वाई कितना है 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू कितना हो गया 4, सो x इक्वल टू 4 बाई 2 कितना आ गया 2 आ गया, तो x तो 2 आ गया, पुट कर दो वैल्यू थर्ड सेकंड में, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस वाई है ना, तो फर्स्ट में पुट करिए, फर्स्ट है 2 प्लस y इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट बिकम्स 1, दैट मीन्स ये है x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, सो दैट इज योर आंसर। सो वेयर इज द x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दैट इज द सी ऑप्शन। सो ये सी ऑप्शन हो गया और यही आपका आंसर है। और नीचे जो है आपका ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।